हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टाइटल्स। सो दोस्तों, आज हम ये जानने वाले हैं कि कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कब होंगी या फिर नहीं होंगी, ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, जो पहला सवाल हर बच्चे के मन में उठता है जो 9वीं और 11वीं में पढ़ रहा है कि कक्षाएँ 9वीं और 11वीं की परीक्षाएँ होंगी या नहीं। तो दोस्तों, पहली बात, परीक्षाएं होंगी, ज़रूर होंगी, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी बच्चा अपनी कक्षा पार नहीं कर पाता, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। पहली बात, कक्षाएं होंगी। अब दूसरी बात, ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी। तो दोस्तों, जहां तक CBSE का बोर्ड का सवाल है, 10th और 12th की तो परीक्षाएँ ऑफलाइन होंगी, वो उसने बता दिया। कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, ये CBSE ने नहीं बताया। लेकिन जहां तक विशेषज्ञों की माने तो कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं भी ऑफलाइन ही होंगी। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जितना महत्वपूर्णता कक्षा 10वीं और 12वीं की होती है, उतनी ही महत्वपूर्णता कक्षा 9वीं और 11वीं के परिणामों की भी होती है कि बच्चा ने क्या प्रोग्रेस किया है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर कि परीक्षाएं कब होंगी। दोस्तों, परीक्षाएं होने के पूरे आसार अगले आने वाले अप्रैल और मई, इन दो महीनों में लग रहे हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि कोरोना की वजह से हर चीज़ में थोड़ी देरी हुई है, तो इसीलिए परीक्षाओं में भी देरी होगी। वो अप्रैल या मई में ही होंगे, जून में हो नहीं सकते, क्योंकि जून में अक्सर बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती थी। हालांकि इस बार वो छुट्टियां शायद ना पड़ें, लेकिन इस बात का तय है कि परीक्षाएं अप्रैल, 11 अप्रैल से क्या पता शुरू हो जाएं। सो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में इतना ही। आप उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि परीक्षाएँ बोर्ड की तरफ से तो अभी डिक्लेयर नहीं की गई है 9वीं और 11वीं की, लेकिन हाँ, आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि परीक्षाएं कब हो सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नेक्स्ट वीडियो फर्स्ट। थैंक यू।